जैसा कि देख ही सकते हैं, अभी हम आए हैं शाम को बाइक राइड करने के लिए अपने गांव में ही। और यहां से पूरा बाद है और चारों तरफ आपको बाद ही बाद दिखेगा, यानी कि खेती ही दिखेगा। और ये बड़ा सा विशाल एक वृक्ष है और यहां पे आप लोग देख ही सकते हैं आगे क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए मस्ती करते। चलिए तो सिटी 100 का देखते हैं कितना पावर है, देखते हैं। देख सकते कितना शांति मिल रहा है यहाँ पे। और हमको शाम को टहलने का आदत है, चाहे वो बाइक से हो या चाहे पैदल हो, दो तीन आदमी के साथ बातें बातें करने में, क्योंकि भर दिन दिमाग में डिप्रेशन इतना पैदा होता है, यूट्यूब को लेकर के वायरल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। और शाम को थोड़ा सा डर होता है, माइंड हल्का हो जाता है। और अभी पूरा आप लोग वीडियो देखें, अंदाजा लगा सकते हैं। और चलिए अभी उधर भी जाएंगे, उसी सड़क से। वैसे पता नहीं सड़क किधर जाता है, लेकिन जाएंगे अभी इधर ही। और आए थे उधर उस सड़क से, अभी जाएंगे इस सड़क से। ठीक है, देखते रहिए, वीडियो बने रहिए मेरे। देख सकते हैं इस रास्ता से कोई नहीं जाता है, एक गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं है, और हम लोग पहली बार जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या। जैसा कि देख ही सकते हैं आप लोग, पता होगी, देख कर पता लगा सकते हैं इस सड़क पर लगता है कोई नहीं जाता है। आगे पता नहीं सड़क कहाँ जाता है, कहाँ टूटा हुआ है, क्या हुआ। चलिए ब्लॉग में देखते हैं आगे क्या होता है, और आप भी देखते रहिए। रास्ता जाम छी, इस रास्ते से जो है देख ही सकते हैं कोई नहीं जा रहा, मोबाइल हिल रहा है बच्चा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। रास्ता पूरा यहाँ पे नहीं कटा हुआ है, सवाल ये देखिए यहाँ पे रास्ता कटा हुआ है, सब कोई नहीं जाता है कि। और शाम कटे में तो बात से होकर रास्ता ही बना हुआ, तो इसलिए कटे करते हैं। ये तो नहीं ना सामने की, हाँ आगे लेके जाएंगे तो खाई में चला जाएंगे। देख ही सकते हैं यहाँ से रास्ता अब कैसे कटा हुआ है, इधर पानी है, इधर भी पानी। तो आप लोगों ने देखा, तो हमको लगता है अभी अंधेरा भी होने लगा है, कई लोग देख सकते जा रहे हैं, और शाम भी हो चुका है। तो अभी ब्लॉग को हमको लगता है यहीं एंड करना है, ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, बस हो गया, शाम हो चुका है। चलिए अब घर चलते हैं, हम भी चलते हैं घर, बहुत घूम लीजिए, शायद आप लोग उतना दिखा नहीं पाए। ठीक है, दूसरे दिन देख लीजिएगा। अब इसमें क्या कहा, इधर देखो कहा।